नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर। पीएम मोदी देर रात जर्मनी की राजधानी बर्लिन के लिए रवाना हुए थे, जो अब बर्लिन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के बर्लिन पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। बर्लिन के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा 2 मई से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली कनाडा के मरखम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतीक भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दूसरों के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान का सपना नहीं देखता है। भारत एक देश होने के अलावा एक महान परंपरा, वैचारिक प्रतिष्ठान, संस्कृति की धारा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी पीढ़ियों तक रह सकता है, लेकिन उसकी भारतीयता और भारत के प्रति समर्पण में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं। पीएम ने कहा कि उनके पूर्वजों द्वारा निभाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्तव्यों की भावना उनके दिल में एक कोने में रहती है। पीएम मोदी ने कहा, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो विश्व के लिए प्रगति की नई संभावनाएं खोलने की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान रविवार को काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले काल बैसाखी तूफान में बुरी तरह से फंस गया। हालांकि विमान के पायलट इस भारी तूफान में भी जहाज को एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में सफल रहे, लेकिन विमान के हिचकोले खाने से करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिसमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इमरान खान के सत्ता से हटने का पाक को मिला फायदा। सऊदी अरब से बेहतर हुए संबंध। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब से $8 बिलियन का नया कर्ज लेने में हुए कामयाब। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन है। अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव घायल हो गए हैं। पुतिन ने उन्हें जल्द कामयाबी हासिल करने के मकसद से खार्किव के मोर्चे पर तैनात किया था। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार एरिस्टोविच ने दावा किया है कि खार्किव के मोर्चे पर ही रूसी मेजर जनरल आंद्रेई की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने पिछले एक दिन में पूरे यूक्रेन में 800 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि लगभग 10 लाख यूक्रेनी लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन छोड़कर रूस पहुंच गए हैं। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस में गैसोलीन की कमी हो गई है, जिस वजह से गैस स्टेशनों के बाहर लंबी लाइन लगी है। दिल्ली यूपी सहित देश के कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा में बिजली कटौती जारी। इन राज्यों में आ सकती है घोर बिजली संकट। दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत, थमा रहेगा लू का प्रकोप। पश्चिम विक्षोभ के कारण दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में बारिश होने से लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। आईएमडी के वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में लू नहीं चलने का अनुमान। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। दमकल विभाग के द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,157 नए मामले आए सामने। 19,500 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई, जो 31 मई तक लागू रहेगी।
दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1485 हो गए हैं। संक्रमण दर 4.89% बढ़ गई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 489 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 2400 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 332 नए मामले आए सामने। 438 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है। 122 नए मरीज आए सामने और 52 मरीजों ने कोरोना को मात दी। जींद के पिल्लूखेड़ा गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोगों की सुनेंगे समस्याएं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पानीपत के डाहर गांव में मुख्यमंत्री ने शुगर मिल का सपना किया पूरा। 356 करोड़ की लागत से तैयार मिल का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने पानीपत को 800 करोड़ रेनीबेल प्रोजेक्ट के लिए और 200 करोड़ से ज्यादा पानीपत ग्रामीण और शहरी विकास के लिए मंजूर किए। सीएम मनोहर लाल ने मिल का शुभारंभ यज्ञ में अंतिम आहुति डालकर किया। वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, सांसद संजय भाटिया, विधायक महिपाल डांडा व प्रमोद विज ने कार्यक्रम की अगुवाई की। आधुनिक शुगर मिल पर हर रोज 50,000 क्विंटल गन्ने की पिराई कर सकती है और 55,000 क्विंटल की पिराई करने की क्षमता रखती है। भिवानी के गांव चैहड़ में सांसद धर्मवीर सिंह ने अमृत सरोवर मिशन योजना की शुरुआत की और सूखे पड़े तालाब को बेहतर बनाने के कार्य शुरू किए। डबवाली के कालुआना गांव में एसडीएम ने नारियल फोड़कर अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। एसडीएम सहित पंचायत विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। फतेहाबाद के टोहाना में अमृत सरोवर परियोजना के तहत गांव समैड़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कृष्णा पॉन्ड का शिलान्यास किया। सरकार कर्मचारी के कमीशन लेने के वायरल वीडियो पर सवाल पूछने पर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भड़क गए। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पहले की सरकारों में होता था कमीशन खोरी का खेल। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नेता या अफसर भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। हुड्डा के साथ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बीजेपी द्वारा प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक जनसेवा के 8 साल का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल हुए। ओपी धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के किए गए विकास कार्यों की लोगों के प्रचार प्रसार लोगों तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। यमुनानगर में दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की हत्या मामले में आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, जिसके चलते सैकड़ों लोगों में रोष प्रदर्शन किया। कपास की फसल के मुआवजे को लेकर किसान खेड़ा चौपटा की तहसील पर ताला लगाकर पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का धरना उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद समाप्त हो गया। मंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के हित में ये एक बड़ा फैसला लिया है। गठबंधन सरकार प्रदेश की जनता को अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील गुप्ता ने भिवानी में कई कार्यक्रमों में शिरकत की और पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि बिजली की कमी के झूठी समस्या पैदा करके बीजेपी सरकार अंबानी और अडानी के परिवारों को फायदा देना चाहती है।
करीब 80 एकड़ में फैली चंडीगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी नंबर 4 में करीब 22,000 झुग्गियों पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में करीब 40 साल पहले ये कॉलोनी बसाई गई थी। झज्जर की फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव मामले में कथा फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बावजूद इसके फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू करने पर अधिकारी सख्त हुए। स्थानीय लोग फैक्ट्री को रिहायशी क्षेत्र से शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पंचायत में फैक्ट्री मालिक को अल्टीमेटम दिया गया। गुरुग्राम में टूर्नामेंट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अब गुरुग्राम एनसीआर के सभी स्कूल बढ़ चढ़कर अपने बच्चों का स्पोर्ट में उत्साह बढ़ा रहे हैं। अब तक लगभग 9 स्कूलों ने शुरुआत की है। आने वाले समय में और भी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे बच्चों का स्पोर्ट्स में उत्साह और बढ़ेगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली 22 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी सुनीता देवी को जब कमजोर आर्थिक हालातों के बीच जूझते हुए खेल जारी रखते हुए देखा तो उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़े, जिसके चलते अब वो अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पा रही हैं तथा लगभग 26 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्हें अब तक केंद्र और राज्य के मंत्रियों और विधायकों से मिल चुकी है। करनाल के कलहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में चल रहे विवाद को लेकर एससी समाज के परिवार अपने बच्चों को लेकर घरौंडा थाने पहुंचे। छात्रों ने पुलिस अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। छात्रों ने बताया कि स्कूल का प्रशिक्षु अध्यापक जाति के आधार पर अलग अलग पंक्तियों में कक्षा में बिठाता है। पुलिस ने मामले को लेकर आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सोहना में फुटपाथ के साथ मुख्य सड़कों पर भी अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। चौक चौराहों पर अवैध पार्किंग ने भी लोगों के सिरदर्द को बढ़ाया है। अतिक्रमणकारियों के प्रति प्रशासन का लचीला रवैया शहर को अतिक्रमण के गर्त में धकेल रहा है। परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर फुटपाथ का निर्माण कराया, लेकिन अवैध अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दौलताबाद फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग पर आमजन की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की राय नहीं ली गई। फ्लाईओवर को ठीक करने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन तालमेल कमेटी के बैनर तले मजदूर दिवस पर सभी ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने मजदूर दिवस मनाया और एक ज्ञापन सौंपा। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। उद्यमी मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं, लेकिन सड़क का नवनिर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। केएमपी एक्सप्रेसवे से औद्योगिक क्षेत्र को यह सड़क जोड़ती है। सड़क में एक एक फिट गहरे गड्ढे बने हुए हैं, साथ ही रात के समय नहीं जलती इस रोड पर स्ट्रीट लाइट। फरीदाबाद में छात्रों के परिजनों ने बीके चौक पर किया प्रदर्शन। परिजनों का आरोप है कि 134 ए के तहत पिछले साल उनके सभी बच्चों के एडमिशन के नंबर आ चुके थे, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। जिससे पिछले एक साल से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। परिजनों ने बताया कि कई बार स्कूल और जिला शिक्षा कार्यालय पर जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। भवानीखेड़ा के वार्ड 9, 1 और 8 में पिछले एक सप्ताह से पानी नहीं आने के कारण भारी रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। पलवल में पंजाबी धर्मशाला समस्त हिंदू संगठन की ओर से मेवात में गौ कसी के मामले पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी जिलों के हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
यमुनानगर में बदमाश बेखौफ। सारोरा के गांव सुल्तानपुर में एक युवक को लाठी डंडों और तेज धार हथियार से हमला करने का वीडियो आया सामने। कार सवार बदमाशों ने दुकान पर खड़े युवक को मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। यमुनानगर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे को लेने गए शख्स पर हमला। कार सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सड़क के बीचों बीच गिरा कर किया लाठी डंडों से हमला। बल्लभगढ़ में दो नाबालिग बच्चियों को दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल की न्यू कॉलोनी से देर रात चोर एटीएम मशीन उखाड़कर ले गए। लंबे वक्त से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चरखी दादरी अदालत परिसर ने पुलिस ने मॉक ड्रिल कर इमरजेंसी में पुलिस की तैयारियों को परखा। बदमाशों की धरपकड़ को लेकर मॉक ड्रिल की गई। ईडी ने शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत की गई। जब्त की गई धनराशि कंपनी के बैंक खातों में पड़ी थी। ईडी ने इस साल फरवरी माह में कंपनी द्वारा किए गए अवैध रेमिटेंस के संबंध में जांच शुरू की है। कैथल के खनौरी रोड बाईपास रोड पर दो ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ड्राइवर को जिला के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर अस्पताल में रेफर कर दिया। करनाल में कुछ दिन पहले एक सिख युवक की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था। जिन लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा था उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिख समाज की एक मीटिंग हुई। पुलिस ने शीशा तोड़ने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी संदीप सिंह का कहना है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झज्जर के जसौर खेड़ी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे पैदल ही आए और गोली मारकर आसानी से फरार भी हो गए। मृतक की पहचान जसौर खेड़ी के ओमबीर के तौर पर हुई है। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक महिला ने एक नामचीन वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कोर्ट में लंबे समय से मामला विचाराधीन है। पीड़ित महिला वकील की मोटी फीस न चुकाने में असमर्थ नजर आई तो वकील ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोसली थाना के एक गांव में एक पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी दो दिन पहले नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। छज्जर के एक भट्टे पर मजदूरों के काम करते समय दीवार ढह गई। इस दीवार के नीचे एक महिला सहित तीन मजदूरों के दबने की सूचना है। आईपीएल 2022 का 46वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहा। चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 13 रन की जीत हासिल की। चेन्नई ने जीत के साथ ही हैदराबाद से पिछली हार का बदला भी ले लिया है। हैदराबाद ने उसे इस सीजन की पहली भिड़ंत में 8 विकेट से हराया था। पुणे के एमसीएस स्टेडियम में खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने सीजन में पहली बार चेन्नई की कमान संभाली, जो चेन्नई की इस सीजन की पहली और कुल तीसरी जीत रही। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आज सीजन के 47वें मैच में आमने सामने होंगी। राजस्थान ने इस सत्र में अब तक 9 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं। टीम अंक तालिका में मजबूती से खड़ी है।
केकेआर ने 9 में से 6 मुकाबले गंवाए और टीम के ऊपर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा। अमेरिकी फुटबॉल दिग्गज जुलेरी फिट्ज़गिलार्ड और दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस पॉल राजस्थान रॉयल्स में नए इन्वेंटर्स के तौर पर शामिल हुए। टीवी स्क्रीन पर कई बार एक साथ नजर आ चुकी शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर जल्द टीवी पर आ सकती है नजर। साल 2015 में रिलीज हुई दृश्यम लोगों को खूब पसंद आई थी। अब दृश्यम का दूसरा भाग दृश्यम 2 की शूटिंग पूरी हो गई है। खबर है कि अब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना भी दिखेंगे। तब्बू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। एक्टर इरफान खान भले ही अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनकी आखिरी फिल्म अपनों से बेवफाई सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आमिर खान और करीना कपूर कई साल के बाद एक साथ फिर नजर आने वाला है। बताया जा रहा है कि आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होगी।